હાલો પાડો પાણી તો પાછ મસ્ત गुड मॉर्निंग गाइज, आज था डे 3 घर पर और आज हमने फ्रेश नारियल उतारे थे और नारियल वाला निकला था तो हमने उससे नारियल कटवा भी लिए थे और हमने पूरी फैमिली ने फ्रेश फ्रेश नारियल पिए और उसमें मलाई भी काफ़ी थी तो हमने उससे मलाई भी निकलवा ली। और फिर हमारे पास ना काफ़ी अमरूद रखे हुए थे तो हमने इंस्टा पे कोई रेसिपी देखी थी तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि चलो वो ट्राई करते हैं बनाने की। और मज़ा आता है ऐसे सब लोग मिलते हैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि और कोई काम होता नहीं है। तो जैसे बचपन में साथ में खेलते थे और ऐसी सारी चीज़ें करते थे तो वही करने में मज़ा आता, तो हमने यही एक्सपेरिमेंट किया। आइसक्रीम जैसे टूटी गयो थोड़ो मिक्सचर बनाए रहा है मस्त। एक नानी चमची देखो और ये सब कुछ करने में सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात का है पता है? ये जो नेचर के बीच में बैठ के ये सारी चीज़ें करना, जो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, पत्तों की आवाज़ें आ रही है, ये सब कुछ मुंबई में नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे आप फ्लैट में रहते हो, हार्डली सनलाइट मिलती है आपको। तो जब भी घर आते हैं ना तो ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़ा आता है और स्पेशली आपके भाई बहनों के साथ करने में, जो जिसके साथ आप बचपन में खेले हो। तो आपने भी ऐसा कुछ किया है बचपन में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चटनी अब हम पानी ना के टमाटो भी पानी जो स्वाद है उसको मसाला और एकदम दबाए। और ये जो लैंग्वेज है ना वो आई डोंट नो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि घर पे हम लोग गुजराती बोलते हैं, गुजराती पे बात करते हैं और गुजराती में भी हम लोग काठियावाड़ी है तो काठियावाड़ी गुजराती थोड़ी और ठेठ वाली गुजराती होती है। तो आई डोंट नो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बट जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है कुछ बताना तो मैं आपको हिंदी में बता ही दूँगी। और यहाँ पे ना मेरे और मेरे भाई के बीच में लड़ाई हो रही थी, मैं कह रही थी कि और पानी डालते हैं, वो कह रहा था कि नहीं डालते क्योंकि पानी जैसा टेस्ट आएगा, बट मैंने फिर भी ज़बरदस्ती डाल दिया और हमारे बीच में इसी बात की लड़ाई हो गई। वो बोल रहा है कर तुझे जो करना है, तो हाँ गलती हो गई, पानी ज़्यादा ही डाल दिया मैंने। ओके गाइस, सो मेरी मम्मी ने तो मस्त बोल दिया बट ये झूठ था क्योंकि हम फेल हो चुके थे इस रेसिपी में, क्योंकि ये बहुत ही पानी पानी
सा टेस्ट लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं बना। और लंच के बाद मैं और मेरी मम्मी आम के पेड़ के नीचे आ गए। ये जो आम का पेड़ है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसकी छांव बहुत ठंडी सी है और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, तो हमने सोचा चलो बाहर ही बैठते हैं, बाहर ही बातें करते हैं। तो हम आधा एक घंटा यहीं बैठे, इतनी अच्छी नींद आ रही थी यहाँ पे, और एक आध घंटे के बाद हम लोग वापस अंदर चले गए थे। बट तब तक हमने यहीं पर बैठ के काफ़ी कुछ बातें की। फिर 4-5 बजे के आसपास मैं रेडी हो गई, क्योंकि मुझे सिंपल सी कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी थी, कुछ वीडियोस शूट करने थे, बट सनलाइट ही चली गई तो मैं इसमें भी फेल हो गई। और फिर डिनर से पहले जो मैं सैलेड खाती हूँ ये वही था, वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो सिंपल सैलेड ही खाना पड़ता है। और फिर डिनर के बाद हमने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया और हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं था, तो ये देखो जुगाड़। जो मोटू नो थे थोड़क नानू रह राउंड करता करता मोटू थे। हाँ बस ही मार फिर पड़ते और थी बस ही वो रहे वो आम आवे जो फेरे आप है आवे जो फेरे कन्हैया थी भाई परी जैसे माफ एटले ज कहू सु आवे जो फेरे ही परी यू माफ गाइस। सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग और रंगोली भी, बट इसमें हम आपको पूरी रंगोली नहीं दिखाएंगे। अगर आपको पूरी रंगोली देखनी है तो वो आप दिवाली वाला जो व्लॉग आएगा नेक्स्ट उसमें देखना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।